नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास ये एक कंप्यूटर बनने के लिए आया हुआ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये हैंग कर जा रहा है, कभी 5 मिनट चलाने पे, कभी 10 मिनट बाद चलाने पे, कभी आधा घंटा बाद, कभी 1 घंटे बाद, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो कस्टमर हमें बताए हुए हैं और सीपीयू को लाकर हमारे सर्विस सेंटर में, हमारे घर पहुंचा दिए हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे, प्रॉब्लम कहाँ से होता है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पूरा वीडियो देखिए, अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपकी लाइफ में काम आएगा। हाँ, उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, भी कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो सीपीयू है ना, सीपीयू जो हैंगिंग प्रॉब्लम होता है वो मेनली इसी से होता है, मॉनिटर से नहीं होता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं। टीवी में क्या होता है कि जो चीज़ें बताता है वो दिखाता है, इसमें प्रॉब्लम हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आता है। हैंगिंग का प्रॉब्लम है तो जान लीजिए सीपीयू के अंदर प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या क्या चीज़ चेक करना पड़ता है, मतलब होता है ना गाड़ी के अंदर चोर पंचर, उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर हैंगिंग का प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे रीजन से हैंगिंग आता है। कभी कभी कीबोर्ड या माउस शॉर्ट करता है ना, तब भी आपका कंप्यूटर बूट करते ही हैंग हो जाता है। तो इसमें दिक्कत ये नहीं है, इसमें दिक्कत ये है कि कंप्यूटर पूरा चालू हो जा रहा है, चालू होने के बाद में इस पर जब काम कर रहे हैं, काम करने बाद कभी कभी जल्दी हैंग हो जाता है, कभी कभी जो है देर में हैंग होता है। तो देखते हैं, तो ऑन कंडीशन में ही इसको हम खोलेंगे और चेक करेंगे। दूसरा, जब ऑन कंडीशन खोलेंगे तो पैरों में चप्पल पहन लें, क्योंकि बॉडी ना जमीन से अर्थ लेती है और फिर उसके करंट मार सकते हैं। तो हम चप्पल पैरों में चप्पल पहन लिया है। अब देखिए ये सीपीयू हमारा ऑन है, ये अब इसको लेते हैं ऐसे में, ऐसे लेने के बाद में इसमें, और आपके पास कोई भी सीपीयू किसी ब्रांड का हो, ये सीपीयू जो है असेंबल है ये। तो इसमें सिंपल 2 स्क्रू दिया हुआ खोलने के लिए, हम यहाँ से 2 स्क्रू दिया हुआ, इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ से खोलते हैं और वन बाय वन स्टेप करके चेक करेंगे है दिक्कत कहाँ से है, दिखता है ये। देखिए हमने जो है यहाँ निकाल दिया, कवर निकाल दिया, और उसके बाद ये देखिए इसके अंदर ना सबसे पहले चीज़ चेक करते हैं कि हैंगिंग प्रॉब्लम के अंदर इस कंप्यूटर के अंदर 2 फैन दिए होते हैं, मतलब ठंडा करने के लिए 2 पंखे दिए रहते हैं। एक दिया रहता है ये SMPS है ना, SMPS, इस SMPS के अंदर पंखा दिया रहता है, और एक दिया रहता है इस कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर लगा हुआ CPU, CPU के ऊपर एक फ़ैन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसके अंदर। तो अगर पंखा नहीं चलेगा आपके CPU में तो कंप्यूटर पक्का पक्का हैंग करना है, तो इसलिए पहले चेक कर लीजिए। सेकेंड चीज़ क्या होता है कि अगर आप चेक कर रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि जो CPU आपका है ना, वो कहीं धीरे, सीपीयू का जो फ़ैन है वो कहीं धीरे तो नहीं चल रहा है। अगर धीरे चलेगा तभी आप कंप्यूटर हैंग करेगा, आपका सीपीयू ओवरहीटिंग हो जाएगा तभी हैंग करेगा। तो पहला मैं चेक करता हूँ ना, कुछ अगर और चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ें को खोल करके आप साफ़ कर सकते हैं, दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें। और इस वाले कंप्यूटर में ना ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ, देखिए नीचे दिख रहा ना आपको मेरे ये साथ में, नीचे ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है 1 GB 2 GB का। मुझे लगता है ये कस्टमर जो है ना गेमिंग के शौकीन है, गेम खेलते होते हैं, तो इसको हम पूरा खोलते हैं। तो हम पहला क्या काम करेंगे, जो सीपीयू का पंखा है ना, ये दिख रहा मुझे, मेरे हिसाब से दिख रहा है जो सीपीयू का फ़ैन है ये फ़ैन धीरे चल रहा है, और जब धीरे चलेगा पंखा ना तो सीपीयू को ठंडा नहीं करेगा, सीपीयू को ठंडा नहीं करेगा तो आपका जो है ये सीपीयू गर्म होकर कंप्यूटर बंद हो जाएगा, समझे बात को ना। तो चलिए लेके चलते हैं आपको, इसको हम खोलते हैं कैसे कैसे क्या करना है और फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहला चीज़ है, हम इसको हम कंप्यूटर को यहाँ से बंद कर देंगे, बंद कर देते हैं अपने कंप्यूटर को, यहाँ से शट डाउन कर देते हैं विंडोज 7 लोडेड हमारे कंप्यूटर के अंदर, इसको बंद करेंगे और फिर इसको खोल करके ना हम प्रयास करते हैं कि कुछ काम करें यहाँ से। चलिए लेके चलते हैं। तो चलिए ये सीपीयू है ना, इसको हमने बंद कर लिया है, पावर यहाँ से बंद कर देते हैं और ये सिंपल तरीके से तार को निकाल देते हैं। तो हमने डायग्नोस किया हुआ है कि इसका जो सीपीयू फैन है ना ये बहुत स्लो चल रहा है, इसके लिए हमको जो है निकालना पड़ेगा बाहर, और निकाल के ही दोबारा लगाना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, तो देखिए इस वाले मशीन के अंदर ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, ये ग्राफिक्स कार्ड है, इसको हम ऐसे निकाल देते हैं यहाँ से, ये वीजे केबल दिया हुआ, ये पूरा सारी चीज़ों को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए ये निकाल दिया हमने, उसके बाद माउस है, कीबोर्ड है, ये सारा निकाल दिया, और उसके बाद हैंग करा ना। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप सीपीयू के फ़ैन को या SMPS के फ़ैन को ही नोटिस करिए, हैंगिंग में प्रॉब्लम आता है क्योंकि चोर पंचर है ना। अब देखिए ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ, ग्राफिक्स कार्ड निकाले, स्क्रू खोल दिया, इसको हम यहाँ से ऐसे करके, भैया ग्राफिक्स कार्ड गर्म जल्दी ज़्यादा रहता है। देखिए ये आपका ग्राफिक्स कार्ड निकल गया, निकल रहा ना, ये जो बच्चे गेम खेलते हैं कंप्यूटर में, तो हर कंप्यूटर आपको नहीं मिलेगा ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ, लेकिन इस कंपनी आसूस कंपनी का लगा हुआ है ग्राफिक्स कार्ड, और लगता है कि कस्टमर जो गेमिंग शौकीन है। निकाल दिया हुआ हमने है,
और कभी कभी ना ये ख़राब होता है तब भी हमारा कंप्यूटर हैंग करता है क्योंकि गर्म ज़्यादा हो जाएगा। इसके ऊपर देखिए हीट सिंक लगा हुआ है, दिख रहा है हीट सिंक है ना, इसका चिप ठंडा करने के लिए दिया रहता है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो मुझे दिख रहा सामने कि SMPS फैन से ये CPU फैन की दिक्कत है। तो अभी देखिए क्या करते हैं, जितना चीज़ें दिया ना सबको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा पंखा चेंज करने के लिए, वरना पंखा चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए 12 वोल्ट कनेक्शन ये निकाल दिया हमने यहाँ से। अब उसको हम ऐसे करके और फिर ये हार्ड डिस्क का तार निकाल देते हैं। देखिए सारी चीज़ें ये हमने निकाल दिया, उसके बाद हार्ड डिस्क का तार ये सारा हमने, इसी बहाने जो है ना आपका कंप्यूटर के पास साफ़ हो जाता है। तो हमेशा पैर में चप्पल पहन के ही काम करिएगा भाई, वरना जो है अब देखिए क्या स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू हम खोल के लगा देते हैं, ये स्क्रू दिया हुआ है सारी चीज़ें। तो जल्दी खोल के आपको मदरबोर्ड निकालता हूँ बाहर में। तो मैं देखिए इसमें डिस्कनेक्ट कर लिया क्योंकि खोल इसलिए रहे ना कि देखिए हार्ड डिस्क पीछे कितनी गंदगी है, ये गंदगी साफ़ हो जाएगी इसी बहाने हो जाएगा, और उसके बाद सारा चीज़ जो है, और दिक्कत कभी कभी हैंग जो होता है ना इसके वजह से भी होता है। सब तार हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है, अब चारों तरफ स्क्रू दिया मदरबोर्ड निकालने के लिए। तो ये अपना, ये आपके पास जो कंप्यूटर होगा उसके खोलने का तरीका अलग होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस कंप्यूटर इस मदरबोर्ड का ना ये CPU जो देखिए हमने पूरा निकाल लिया है मदरबोर्ड ये बाहर, अब ये तार और फंसा हुआ है। अब देखिए मदरबोर्ड हमारे हाथ में आ चुका है ये मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के अंदर ना ये मेन पंखा जो दिया हुआ हीट सिंक वाला, इसको हम निकालेंगे। और कुछ तो दिक्कत नहीं क्योंकि हैंग कर रहा है, अब इसी को चेंज कर चेक करते हैं क्योंकि चोर पंचर है ना, हैंग कर रहा है कभी आधे घंटे बाद कभी एक घंटे बाद, कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे फ़ैन निकालेंगे। तो ये हम मदरबोर्ड बाहर निकाल लिए हैं, अब इसका CPU फैन चेंज कर निकालना है। तो देखिए सिंपल तरीके से ना, कभी कभी पंखा धीरे चलता है, टाइम हो जाता है 2-3 साल, तो उसके बाद जो पंखे में दिक्कत आती है, कॉइल कमज़ोर हो जाता है। तो इसको हम ऐसे देखिए लॉक है, ये लॉक दिया हुआ है, इसको ऐसे हम घुमाएंगे, इसे टाइट है, इसको हमने ऐसे करके देखिए घुमा दिया हमने, ये घूम गया। उसके बाद बहुत दिन से लगता खुला नहीं कंप्यूटर ये, तो थोड़ा टाइट लगेगा। देखिए ये भी घूम गया, उसके बाद ये दिया हुआ है, इसको भी घुमा दिए, घुमा देंगे। इसके बाद नीचे देखिए लॉक दिया हुआ, एकदम लॉक, इसको ऐसे खींचेंगे हम, देखिए वाइट वाला लॉक है ये ऐसे करके निकालेंगे, वरना टूट जाता है ये बहुत बार, तो लोग निकाल नहीं पाते। हम लोग जब नए नए हुआ करते थे तो हम लोग से टूट जाता था। ये देखिए ये हो गया, लॉक सिस्टम पे है ये, और ये फिर ऐसे हो गया। अब देखिए पंखा जो है इसको हमने ऐसे निकाल लिया। आप एक्सपर्ट नहीं होंगे ना, कम से कम ट्राई करिए आराम से, वरना तोड़ देंगे, फिर कहेंगे कि जोगिंदर भैया बहुत नुकसान हमारा हो गया। देखिए ये दिया हुआ है पंखा, दिख रहा ना, ये CPU फैन होता है। अगर ये कॉइल ख़राब हो गया है, धीरे चल रहा है, तभी पंखा मूव नहीं करेगा। देखिए इसमें आवाज़ भी कर रहा है, इसका मतलब कि दिक्कत इसके अंदर है। और ये साइज़ इसका उड़ गया ये, तो हम इसको चेंज करते क्यों लगाते हैं इसको बता दो आपको। लेकिन इसे इसके एलुमिनियम लगा हुआ है, ये पंखा जब चलता है ना तो उसके बाद इसको ठंडा करता है, ये लगा हुआ है, हाँ हीट सिंक बोलते हैं इसको, हीट सिंक लगेगा। और ये जो ठंडा करता है हमारे जो कंप्यूटर का दिमाग होता है उसको ठंडा करता है, ये है कंप्यूटर का दिमाग, इसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सुने ना, Core i3 Core i5 इसी में होता है, CPU के अंदर ही है। अब देखिए ये तो हो गया ही है, अब हमारे पास जो है दूसरा पंखा लेकर आए हुए हैं। ये पता कर लिया, अलग अलग जगह अलग रेट होता है, 300-400 आपको मिल जाएगा पंखा, ठीक है, ये मिल जाएगा, इसको लेते आइएगा। और ये देखिए इसके नीचे पहले से ही ये दिया हुआ हीट सिंक, देखिए मेरे हाथ में लग रहा है, ये दिख रहा ना, ये हाथ में लग रहा है, ये हीट सिंक दिया रहता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से देख करके लॉक है ये लॉक 4 लॉक है, और इस पंखे को ध्यान दे करके आपको लगाना है। देखिए ये है, और इसका तार है ये करंट देने के लिए, करंट देने की तार लिखा हुआ, CPU फैन लिखा हुआ, यहाँ पर CPU फैन यहाँ लग जाएगा, देखिए लिखा हुआ CPU फैन लिखा हुआ, एक लीटर सिस्टम फैन लिखा होता है, एक लीटर CPU फैन, तो CPU फैन के जरिए लगेगा। अब देखिए यहाँ इसको हम ऐसे रख देते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है सेटिंग करना, यहाँ हम इसको ऐसे रख देते हैं। रख करके ये जो छेद दिया हुआ ना, देखिए 1, 2, 3, 4 छेद दिए हुए हैं, इन तार चारों को इससे मैच कराना है। देखिए मैच करेगा, ये दिखाते हैं, थोड़ा टफ होता है क्योंकि हम लोग जब करते थे काम शुरू में ना, तो बहुत पंखे के हमने जो है ये लॉक तोड़े हुए हैं, तो आज तो परिपक्व हो चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पे नीचे ये चारों वाइट वाला आ चुका है, देखिए 1, 2, 3 चारों आ चुका है। अब क्या करना है, इसको घुमा के, जैसे इसको घुमाए थे हमें, ऐसे घुमा के इसको हम ऐसे बैठ गया, ये देखिए देख रहे ना कितना सिंपल तरीके से ये ऐसे बैठ गया, ये भी बैठ गया, देख रहे ना, ये जो है ऐसे ये कभी कभी जो है न बैठे तो थोड़ा दम लगा ली, बैठ गया ही बैठ गया। अगर ये ढीला रहेगा, बैठेगा नहीं, तभी आपका कंप्यूटर हैंग करेगा, इसलिए हमेशा ध्यान रहे कि ये बैठा रहे। अभी चारों बैठ चुका है, पंखे के तरीके उठा लेंगे, ये लगा दिए हैं, और उसके बाद ये आपका यहाँ पे फैन का हमने ये लगा दिया, ठीक है, ये पूरा लग चुका हुआ है। अब जिस प्रकार से हम खोले हुए थे उसी प्रकार से जो है हम इसको, अब देखिए इसको मूव कर रहे हैं ना, ये मूव कर रहा हमारा सही तरीके से, एकदम मूव कर रहा है,
और एक बार जब खोल ही दिए भाई तो कस्टमर का, इसको हम साफ कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है खोल दिया। तो जो हैंगिंग प्रॉब्लम मुझे लगता है कि शायद इससे अब सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो देखिए पंखा ये है, इसको हम कबाड़खाने में फेंक दें क्योंकि कबाड़ी इसको 5 मिनट लेगा, ये हो चुका, सारी चीज़ निकल चुकी हैं, हार्ड डिस्क के पीछे तार ये गंदगी लगा हुआ है, इसको भी हम साफ़ कर देते हैं। ए कस्टमर कंप्यूटर बनने हमारे पास आता है ना, मैं चाहता हूँ उसको नीट एंड क्लीन कर दूँ, साफ़ सुथरा कर दूँ कि फिर उसको दिक्कत ना हो, ये भी साफ़ कर दिया। और हाँ, इस कंप्यूटर ऑलरेडी दो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, डेटा ज़्यादा कस्टमर के पास होता है तो दोनों को कनेक्ट करेंगे हार्ड डिस्क को, ये हो गया आपका, फिर ये हो गया उनका ग्राफिक्स कार्ड। देखिए गेम खेलने के लिए हर कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलेगा, इस वाले कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड है, बड़े बड़े गेम आते हैं ना खेलने के लिए, वो ये ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है ना। कौन सा गेम याद आपको, कुछ मालूम है गेम का नाम? मुझे तो खैर नाम नहीं मालूम है गेम का नाम, लेकिन हैवी जो गेम आते हैं ना वो सब गेम आप इसके माध्यम से खेल सकते हैं ग्राफिक्स कार्ड। इसमें 1 GB आता है, 2 GB आता है, 4 GB, 8 GB आता है ग्राफिक्स कार्ड आता है। देखिए ऐसा ग्राफिक्स कार्ड होता है जो ये जो मदरबोर्ड का VGA पोर्ट है ना, ये मदरबोर्ड VGA पोर्ट, इसमें ना लगा के हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, इस वाले में कनेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट दिया हुआ है मदरबोर्ड के अंदर, ये यहाँ पे सिंपल लग जाता है, ये जो यहाँ नहीं लगेगा, ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट लग के मदरबोर्ड पैक हो जाता है, देख रहा हूँ ना ये। तो अब चलते जैसे हमने खोला हुआ था उसी प्रकार से सबको जो है पैक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हैंगिंग की प्रॉब्लम जो कर रहा था नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए चलिए हम इसको हम पैक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने मदरबोर्ड निकाला हुआ था और मदरबोर्ड सेट कर दिया है और उसके स्क्रू जो है इसको हम टाइट कर देते हैं, ये हमारा जो स्क्रू है दिया हुआ है साथ में, इसको हम स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं कि मदरबोर्ड मूव ना करे ये, ठीक है। बहुत टफ नहीं है कंप्यूटर हार्डवेयर काम करना, अगर बहुत भाई लोग हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं क्योंकि हम लोग भी काम करते करते सीखे हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट में सिखाया गया था वो तो कम है, लेकिन देखिए ये तरीके से हमने इसको मदरबोर्ड को पैक कर दिया, 4 स्क्रू दिया हुआ था, 4 स्क्रू लगा कर हमने इसको एकदम टाइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है पावर स्विच हो चुका है, हार्ड डिस्क लगाएंगे, ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे। अब देखिए ये ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है, ये देख रहा ना ग्राफिक्स कार्ड है ये आसूस कंपनी का, अब कहाँ लगाने जा रहे हैं ये देखिए, ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट दिया हुआ है, ये देखिए ग्राफिक्स कार्ड है, ये सिंपल PCI एक्सप्रेस स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ लगा के इसको ऐसे दबा करके देखिए, देखिए बैठ गया, ये ग्राफिक्स कार्ड बैठ गया, ग्राफिक्स कार्ड बैठ गया। इस प्रकार से हार्ड डिस्क सारी चीज़ें हम जो वन बाय वन करके उठाते हैं, अब इसको एक स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं हमें, सिंपल यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड को यहाँ लगा के हमने लगा दिया है और यहाँ पे लगा के हम इसको ऐसे टाइट कर दे रहे हैं। एकदम सेट हो चुका हुआ है, अब 2 हार्ड डिस्क में लगा हुआ है, हार्ड डिस्क है इसमें, असल हमको क्या कर लगाना है, SSD लगाना है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो 2 हार्ड डिस्क लगा रहेगा साथ में एक SSD लगाया रहेगा तो सब काम करना है। तो ये देखिए ये अब सारी चीज़ें हैं, अब इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं हार्ड डिस्क कनेक्ट करके। तो देखिए पूरा पैक हो चुका है, ग्राफिक्स कार्ड लग गया है, हार्ड डिस्क लग गया है, मदरबोर्ड सब कुछ लग के इसमें पंखा लग चुका है। अब चलते हैं इसको हम जो है सिस्टम तरीके से ऑन करते हैं, सारी चीज़ कनेक्ट करते हैं। ये देखिए ये मॉनिटर का तार ना यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ, तो हम इसमें यहाँ लगाते नीचे लगाते हैं क्योंकि इससे आउटपुट लेना हमको है। ये आपका माउस का USB हो गया, कीबोर्ड माउस जो भी है USB लगता है ये, और फिर उसके बाद ये लग चुका है और यहाँ से हम लगाते हैं पावर। हम देखें हमने खोल के दोबारा बांधा है तो इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पर ये पंखा देखिए चलता नहीं चलता, यहाँ पे ये ऑन कर दिए, देखिए पंखा चल गया, स्पीड मिला पंखे में, देखिए पास गया, ये पूरा आवाज़ कर रहा पंखा, देखिए फसला तरीके से और डिस्प्ले आ चुका है हुआ, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर में चल गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और यहाँ लिखा आ रहा है CMOS चेक से मैटर एरर लिखा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, डेट टाइम सेट कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये बताता हूँ मैं आपको कि देखिए अगर ये फ़ैन ख़राब हो जाए ना, ये फ़ैन तब भी हमारा कंप्यूटर हैंग करता है, तो मोटा मोटी 250-300 रुपये का या पता कर लिए आपको कितने रुपये मिलता है और इसको ला के चेंज कर लीजिए, और कंप्यूटर में जो हैंगिंग प्रॉब्लम है मोस्ट प्रॉब्लली जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। वीडियो बना करके मैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बेसिक बताया हूँ कैसे जो है हैंगिंग प्रॉब्लम दूर करते हैं। और देखिए ये हमारा कंप्यूटर ये ऑन हो चुका हुआ है, Windows 7 लोडेड, सारी चीज़ चल रही हैं। तो वीडियो पसंद आपको आए प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना वो जानना चाहते हैं ऐसी चीज़ें, उनको कहीं काम आ गया। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।